आप सभी का स्वागत है रवि जोन फार्मिंग लीडर में। मैं रवि त्यागी, आपका होस्ट एंड दोस्त। मेरे सभी बुजुर्ग और किसान साथियों को मेरा राम राम। तो साथियों, आज हम अपने किचन गार्डन, अपने टेरिस गार्डन के लिए बनाएंगे बर्मी कंपोस्ट, बहुत थोड़ी जगह में और बहुत ही कम खर्चे में, और अपने इस शौक को पूरा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। भुला दे डर, कुछ अलग कर। किसान साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि मैंने पहले जो है ये पहले प्रैक्टिकल किया और इसे जाना और समझा। आप देख सकते हैं 30 दिन में कितना बेहतरीन बर्मी कंपोस्ट तैयार हो गया है। हम इसे अपने गार्डन में, अपने गमलों में, अपनी कहीं भी जहां हमें ज़रूरत है, हम अपने जो है उनमें डाल सकते हैं और उससे पूरा लाभ उठा सकते हैं। तो किसान साथियों, हमें वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए क्या क्या सामान की ज़रूरत होती है। हमें चाहिए एक हाइड्रोपोनिक, ये ट्रे मेरे पास थी, मैंने ली, हाइड्रोपोनिक ट्रे चाहिए, और केंचुए चाहिए, और चाहिए ठंडा गोबर। ये मैंने गोबर ले रखा है, ये पहले ही पानी डाल के ठंडा कर रखा है। तो साथियों, अब हम आगे जो है उसकी विधि के बारे में जानेंगे कि हम किस तरीके से इसे कैसे तैयार करते हैं। तो ये जो ट्रे है, हम ये लेते हैं और इसमें हमारा जो ये ठंडा गोबर है, इसे हम डालते हैं। दूसरी बात, बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट कोई इसमें वो नहीं है। जो गोबर से हाथ लगा सकता है वो बर्मी कंपोस्ट बना सकता है, और जो गोबर से बचेगा वो बर्मी कंपोस्ट नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसे इस तरीके से, हम इसे अपने ठंडे गोबर को इसमें पूरी तरह फैला लेते हैं। आपको जो है ये हाइड्रोपोनिक ट्रे और केंचुए अमेजोन से मिल जाएंगे। ये आप देख सकते हैं, ये केंचुए हैं। आप ये जो है हाइड्रोपोनिक ट्रे और केंचुए जो है अमेजोन से ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से मंगा लें। तो अब हम ये केंचुए जो है अपने इस ट्रे में छोड़ते हैं। ये सभी आप देख सकते हैं, सभी केंचुए जो है ये पूरी तरह इसमें घूमने लगे हैं और चलने लगे हैं और अपना जो है खाने की तलाश में। ये अभी थोड़ी देर में आप देखेंगे कि अभी ये दिख रहे हैं लेकिन दिखना बंद हो जाएंगे। लेकिन हम जो है अभी क्या है कि हम और गोबर इनके ऊपर से ढकेंगे जिससे कि ये पूरी तरह कवर हो जाएं। तो साथियों, ये यहाँ तक हमारा ये पूरा बेड जो है इसमें ट्रे में तैयार हो गए हैं। ये जैसे कवरनुमा बेड बनाते हैं। अब रही बात पानी की, तो हम इस पर पानी जो है स्प्रे कर सकते हैं। और पानी जो है हमें इसमें देखना है, जब भी हमें लगे कि इसकी नमी कम हो रही है, 3 दिन में 4 दिन में, तभी थोड़ा हल्का हम जो है इसमें पानी मार देंगे। दूसरा क्या है कि आप इस पे पराल या और भी कोई पौधों के पत्ते वगैरह भी ऊपर से ढक सकते हैं, क्यों हमारे यहाँ तो पराल है हमने, तो इसे ढकने से क्या है कि इसकी नमी गायब नहीं होती है और इसकी नमी जो है पूरी तरह बनी रहती है। तो साथियों, इस तरीके से आप जो है बर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। और जो है एक ट्रे में आप 200 से 250 ग्राम केंचुए डालें। आप स्टार्टिंग में 1 किलो मंगा सकते हैं, 4 से 5 ट्रे मंगा सकते हैं, उससे आप जो है इस काम को शुरू कर सकते हैं। और अपने गमलों में और अपने टेरिस गार्डन में, किचन गार्डन में अपना बनाया हुआ बर्मी कंपोस्ट लगा सकते हैं और बन सकते हैं अपने दोस्तों और मिलने वाले और रिश्तेदारों के सामने स्मार्ट। और बाद में केंचुए बहुत बढ़ जाएंगे, उस टाइम आप अपने दोस्तों को या अपने मिलने वालों को, किसी को भी केंचुए बेच सकते हैं या गिफ्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको 30 दिन में मिलेगा ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही उम्दा बर्मी कंपोस्ट। तो साथियों, आपने ये बर्मी कंपोस्ट की बहुत ही छोटी सी वीडियो देखी। अगर मेरी बताई हुई बात
और ये मेरी कोशिश आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई जानकारी छूट गई है, मैं बताना भूल गया हूँ, तो आप जो है कमेंट करके वो जानकारी ले सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रवि त्यागी, रवि जॉन फार्मिंग लीडर।